हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आप सब नवरात्रि कैसे मना रहे हैं? आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो हम लोगों का नवरात्रि जैसे कि बस अभी हम लोग गए थे, इन पे घर के पास एक पैंडल हुआ है तो वहाँ पे दर्शन करके पूजा वगैरह करके आ गए हैं। आज एक्चुअली इवनिंग को एक दीपक के एक बहुत पुराने फ्रेंड है, बहुत टाइम हो गया उनसे हम लोग नहीं मिले थे। ये लोग एक्चुअली मिलते रहते हैं, मिले नहीं थे पहले बहुत टाइम हम लोग आसपास में रहते थे तो बस सही सही रेगुलर मिलना होता था। बट उसके बाद वो भी थोड़ा बिजी हो गए और हम लोग भी जहाँ पे रहते थे वहाँ से हम लोग शिफ्ट कर गए थे, तो इस वजह से बहुत टाइम हो गया नहीं मिले। तो आज बहुत दिन के बाद मिलना होगा, अच्छा लगेगा। तो मैं भी आप लोगों को मिलाऊंगी उनसे। तो चलिए फिर वहाँ पे उनके घर पे मिलते हैं। और बाकी थोड़ा ग्रॉसरी वगैरह भी और गिफ्ट वगैरह भी लेना था दशहरा के लिए, वो सब भी जाके ले लेंगे। तो चलिए फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। और अभी मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ। लंच पे राइस को थोड़ा सा मसाला दे के बना रही हूँ, जैसे मंदिर वगैरह में होता है। तो घी में एक ही साथ में राइस और जितने भी गरम मसाले थे उन सब को साथ में ले लिया था और उसमें पानी ऐड करके बस प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। तो राइस थोड़ा खिला खिला ही रहेगा और मंदिर जैसा स्वाद आएगा। तो बस तो यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है। मंदिर में इसे जैसे कि कानिका करके एक बोलते हैं राइस, तो उसी को बनाई हूँ। इसके साथ थोड़ा सा पनीर का करी बना लूँगी और थोड़ा कुछ बना लूँगी। तो राइस बस हो गया। तो लंच करके हम लोग निकल आए हैं घर से मार्केट के लिए। यहाँ पे हम लोग मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेना है दशहरा के लिए। और मार्केट से काम ख़त्म करके हम लोग जाएंगे भाभी के घर, इवनिंग तक पहुँच जाएंगे। तो बस मैं मिलती हूँ आपसे भाभी के घर में। और यहाँ पे हम आके पहुँच गए हैं भाभी के घर में। और देखिए कितने सुंदर सजाए हैं नवरात्रि पूजा के लिए, बहुत सुंदर ही सजाए हैं। और ये सब डेकोरेशन किए हैं भाभी के दोनों बच्चों ने किए हैं अच्छे से। तो बहुत ही छोटे थे उन लोग, ये सब में इंटरेस्ट है उनके। तो बस बहुत दिन के बाद उन लोगों को देख के अच्छा लग रहा है।
चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। जय माता रानी।